उत्तराखंड के उत्तरकाशी से इस वक्त एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग के अंदर भूस्खलन हुआ है। सुरंग का निर्माण NHIDCL के निर्देशन में नवयुगा नामक कंपनी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक सुरंग के अंदर 40 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की संभावना है। हालांकि अभी तक मजदूरों की कुल संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें, कंपनी की ओर से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है और मौके पर 5 एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई हैं। इस घटना के बारे में बात करते हुए ADG कानून व्यवस्था AP अंशुमान ने बताया कि अभी किसी की मौत की सूचना नहीं है। बता दें, SDRF और अन्य बचाव दल के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा आज सुबह 5 बजे के करीब हुआ। बता दें, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत तैयार की जा रही इस सुरंग की लंबाई 4.5 किलोमीटर है, जिनमें से 4 किलोमीटर तक का निर्माण पूरा कर लिया गया है। और पहले सुरंग का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य सितंबर 2023 था, लेकिन अब मार्च 2024 तक इसे पूरा किया जाना है।